ఇండియా అమెరికా మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత ముందుకెళ్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ప్రధాని మోదీ. టోక్యోలో జరుగుతున్న క్వాడ్ సమిట్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఇండియా అమెరికా మధ్య కుదిరిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్సెంటివ్ అగ్రిమెంట్ను మరింత ముందుకు తీసుకువెళతానన్నారు. క్వాడ్ కూటమికి ఇండియా నుంచి మంచి సహకారం అందుతోందన్నారు బైడెన్. ఉక్రెయిన్పై రష్యా చేస్తున్న యుద్ధంపైన తమ మధ్య చర్చ జరిగిందన్నారు బైడెన్. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति दिखने को मिलेगी. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं. क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं. आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी.